26 मार्च को जैसे ही यूपी में पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ, उसके बाद से ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फिर हंटर चला हथियार और शराब माफियाओं पर, जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान शातिर अपराधियों से लेकर हथियार और शराब तस्करों पर भी ये हंटर चल रहा है। देखिए पंचायत हथियार और शराब माफिया पर वाह। दरअसल पंचायत चुनावों में सबसे ज्यादा अवैध हथियारों का इस्तेमाल होने का इतिहास रहा है और इसी के मद्देनजर ताबड़तोड़ कार्रवाई का दौर चल रहा है, जिसमें हापुड़ में पुलिस को अवैध हथियारों का जखीरा मिला जिनकी सप्लाई पंचायत चुनावों के दौरान होनी थी। दरअसल हापुड़ की बहादुरगढ़ पुलिस के हत्या अवैध हथियार बनाने वाले 4 बदमाश चढ़े हैं जिनके पास से हथियार बरामद हुए। चेकिंग के दौरान 4 बदमाश गिरफ्तार हुए जिनके पास से 2 देसी ड्राइवर, 1 बंदूक बरामद हुई। इसके अलावा 6 तमंचे समेत कई असले बरामद हुए। अवैध हथियार की कई जिलों में सप्लाई होनी थी, जिसमें संबल, अमरोहा, मुरादाबाद और मेरठ में मुख्य तौर पर यह सप्लाई होनी थी। पंचायती चुनाव की तैयारी में हापुड़ पुलिस द्वारा निरंतर अवैध असलहों की विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में बहादुरगढ़ पुलिस ने एसओ राजीव बालियान के नेतृत्व में अच्छा गुणवर्क किया है। इसमें इन्होंने 6 तमंचे, 2 राइफल, 315 बोर मुनिया और तमाम इन्होंने कारतूस बरामद किए हैं। 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिसमें 2 मेरठ के हैं, 1 संभल का, 1 अमरोहा का। इसमें इसरार जो कि मेरठ का रहने वाला है, मुन्नार जो मेरठ का रहने वाला है, और बीरवल जो कि अमरोहा का रहने वाला है, ये बहुत ही शातिर अपराधी हैं जो कि हथियारों को बना लेते हैं। इसमें जो संभल से पकड़ा गया है अफसार नाम, उसने इनसे हथियार खरीदे थे और इन हथियारों की सप्लाई वो संभल और अन्य जनपदों में करने वाला। पंचायत चुनावों के मद्देनजर चेकिंग के दौरान ये 4 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिससे और जिलों तक अवैध हथियारों की खेप नहीं पहुंच पाई। शातिर अपराधियों पर नजर हुई टेढ़ी, शराब माफिया के खिलाफ चला हंटर। गाजियाबाद में शातिर अपराधियों पर पुलिस और प्रशासन ने अपनी नजर टेढ़ी कर दी है और वो फहरिस्त तैयार की गई है जिनका इतिहास अपराध से भरा हुआ है। ऐसे में जहां एक तरफ शराब माफिया पर हंटर चलाया जा रहा है, तो वहीं अवैध हथियारों का धंधा करने वालों की नकेल कसी जा रही है। गाजियाबाद देहात क्षेत्र में 149 ग्राम पंचायत है, जिसमें से भोजपुर, मोदीनगर और मसूरी संवेदनशील क्षेत्र है। वहीं 1500 लोगों के खिलाफ 116 की कार्रवाई की गई, तो वहीं 130 लोगों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई। इसके अलावा निजी शस्त्रों को भी जमा कराया जा रहा है। मुख्य रूप से लोनी, भोजपुर, मोदीनगर और मसूरी, ये एरिया हमारा सेंसिटिव है, तो यहाँ को लेके हमने काफी तैयारियां की हैं। इसमें सबसे पहले तो हमने लगभग अब तक 1500 के आसपास 116 की कार्रवाई की जा सकी है, जिसमें कि 117 के अंतिम आदेश भी लगभग सभी में हो चुके हैं। अभी और भी इसमें हमें किए जाने हैं। जिला बदर की भी कार्रवाई की जा रही है, 130 हमारे हैं जो कि हमने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भेजे हैं 130 जिला बदर होने के लिए, और भी चिन्हित करके और लोगों को भी हम जिला बदर करवाएंगे। इसके अलावा शस्त्र जमा कराने का काफ़ी अच्छा परसेंटेज है, उसमें लगभग हमने जितना हमारा टारगेट था उसमें लगभग हम 60% हम जमा करा चुके हैं। इसके साथ ही थाने के मालखाने में रखे हथियारों को दुरुस्त करने का काम लगातार किया जा रहा है, जिससे पंचायत चुनावों के मद्देनजर किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन ने शराब माफिया पर कसी नकेल, शराब तस्करों पर चला प्रशासन का हंटर, बागपत में शराब की खेप हुई बरामद। पंचायत चुनावों के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की नजर सिर्फ हथियार माफिया पर नहीं है, बल्कि शराब माफिया पर भी है। और जब बागपत में पुलिस ने कार्रवाई की तो बड़ी तादाद में अवैध शराब बरामद हुई, जो एम्बुलेंस के जरिए हरियाणा से पंचायत चुनाव के मद्देनजर
सप्लाई की जा रही थी और जब एम्बुलेंस को चेक किया गया तो 50 पेटी शराब बरामद हुई। पुलिस और आबकारी टीम ने की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस से मिली शराब की खेप, 50 पेटी हरियाणा मार्ग का शराब हुई बरामद। पंचायत चुनाव में खपाने की थी तैयारी। दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आबकारी टीम और पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से निवाड़ा चौकी पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान हरियाणा की तरफ से एम्बुलेंस में अवैध शराब लादकर लाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिस व्यक्ति ने अपना नाम संदीप निवासी हरियाणा बताया। उस व्यक्ति से पूछताछ के दौरान पता चला कि इसके द्वारा कुछ शराब यमुना नदी के किनारे छिपा कर रखी गई है। उस व्यक्ति को लेकर जब पुलिस टीम वहां पहुंची, उसके बताए स्थान पर पहुंची, तो वहां पर इसने पहले से मौजूद व्यक्ति को सतर्क करते हुए चिल्लाकर पुलिस के आने की सूचना दे दी, जिस पर वहां पर पहले से मौजूद व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में वह व्यक्ति घायल हुआ। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बागपत के साथ साथ कई और जगह भी पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन इस बीच मौत के सौदागर भी सक्रिय हैं। अयोध्या में पंचायत चुनावों के मद्देनजर जहरीली शराब बांटने का मामला सामने आया, जिसे पीने से दो लोगों की मौत हो गई तो वही 3 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके बाद एक बार फिर से अयोध्या का प्रशासन जागा है और मौत के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई का हंटर चला रहा है। फिलहाल पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार पंचायत चुनावों के मद्देनजर सक्रिय नजर आ रही है और आबकारी विभाग को टास्क फोर्स गठित कर कार्रवाई का आदेश दिया गया है, जिससे शराब माफिया पर नकेल कसी जा सके। पंचायत चुनावों का पुराना इतिहास बदलने के लिए लगातार पुलिस और प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। एक ऐसा इतिहास जिसे शराब के जरिए बहकाया जा रहा था और हथियारों के दम पर रक्त रंजित करने का प्रयास किया जाता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।